कांवड़ियों की टोली ने युवक की पीट पीट कर कर दी हत्या। परिजनों ने लगाया ग्वालियर बाईपास पर जाम। शहर में बीते दिनों कांवड़ियों की टोली जा रही थी। इस टोली से शहर का एक बाइक चालक टकरा गया। इस बाइक चालक को कांवड़ियों ने इतना मारा कि आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने लाश रखकर ग्वालियर बाईपास पर जाम लगा दिया, कार्यवाही की मांग की। जानकारी के अनुसार आज से 5 दिन पहले कमलागंज इलाके में आशीष और उसका रिश्तेदार दोनों आए थे। यहां आशीष ने अपने रिश्तेदार को दुकान पर बैठाया और कहा कि वो मेडिकल से दवाई लेकर आ रहा है। इस पर आशीष बाइक लेकर चला गया। इस दौरान यहां से कांवड़ियों की टोली गुजर रही थी, जिससे आशीष टकरा गया, जहां कांवड़ियों ने आशीष की लाठियों से बुरी तरह मारपीट कर दी। गंभीर अवस्था में आशीष को परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। यहां आशीष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसी बात से गुस्साए परिजनों ने आज ग्वालियर बाईपास पर लाश रखकर चक्का जाम किया। परिजनों का कहना था कि आशीष इकलौता बेटा था और 11वीं की पढ़ाई कर रहा था। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक वो चक्का जाम खत्म नहीं करेंगे। परिजनों ने बताया कि मारपीट करने वालों पर मामला दर्ज होना चाहिए। पीछे खड़े हो जाओ, पीछे। आज ये जाम लगा रहे हो आप, क्या मामला लेकर आ रहे हो? ये मेरा छोटा भाई है, पहले नंबर तो मैं ये बताऊंगा। उसके बाद में क्या हुआ, हम दोनों भाई घर से निकले मार्केट के लिए, मुझे यहाँ छोड़ गया था वो कि भैया आप यहाँ बैठो, मैं दवा लेने के लिए जा रहा हूँ उस बच्ची के लिए। जब वो वहाँ पहुँचा तो ये नरेश मेडिकल जो है वहाँ तक वो पहुँचा, कांवरिया वहाँ चल रहे थे डंडे घुमा घुमा करके, ठीक है। तो वहाँ से कार गुजरी, कार के चक्कर में इसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, ये वहाँ रपट गिर गया मतलब। उसके बाद में उनके यहाँ थोड़ी बहुत लग भी गई है। फिर क्या हुआ, इस बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा गया, इसके सर में इतनी चोट आई है कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ हमें मालूम है दिमाग की एक एक हड्डी, एक हड्डी इसकी डैमेज हो चुकी है। इसका कोई बचने का चांस नहीं था, ये मेडिकल कॉलेज में हमें बता दिया गया था, लेकिन किसी का मन नहीं मानता कि बच्चे में जब तक सांस है जब तक हम जियेंगे। अब इनकी माता जी को देखिए क्या हालत में डली हुई है। और मैं पुलिस प्रशासन से और उस घटिया आदमी से कांवरियाओं से यही कहना चाहूँगा, अगर उनके साथ कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अरुण भाई, अरुण भाई, कार्रवाई होना चाहिए, 302 की कायम ही होना चाहिए, 302 की कायम ही होना चाहिए। मेरा भाई जे भी है, अरुण भी है, हम इतना जानना चाहते हैं सिर में चोट कैसे आई उसके, ठीक है। सीसीटीवी हमें कुछ नहीं पता, दारू पिया हो या नहीं पिया हो हम ये नहीं जानते, नहीं वो नहीं जानते हम सिर में चोट कैसे आई। सीसीटीवी कैमरा के फोटोज है ना, वो हम देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। और उसके साथ में सब लोग ये बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हॉस्पिटल में, आरोप लगा रहे हैं, सुनिए सब लोग ये बता रहे हैं। एक मिनट रुको, बताऊं ये हुआ हॉस्पिटल का। जब हम जयारोग्य में पहुँचे मेडिकल कॉलेज के पास, यहाँ से एडमिट कर दिया भाई, वहाँ पहुँचे तो वहाँ में कुछ सुविधा नहीं दिखी गई, तो हम दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। एक दलाल ने बताया था कि भाई हमारा हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल? जेके हॉस्पिटल है। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो हमसे 50,000 रुपये तत्काल ही जमा करा लिए गए। दलाल का कुछ नाम वगैरह? दलाल का नाम मैं जानता नहीं हूँ, ना उसने नंबर दिया था, ठीक है। उसने वो बोला कि भाई यहाँ जाइए आप, वो हॉस्पिटल हम पहुँच गए भाई, हमें बच्चे की जान बचाना थी तो वहाँ हम पहुँचे। उसके बाद में हमसे 2,50,000 रुपये लूट लिए, 2,25,000 रुपये हमसे छीन लिए। फिर सब सिस्टम गड़बड़ हो गया भाई, से बच्चा भी हमारा वहाँ से एक्सपायर हो गया था वेंटिलेटर से, सिर्फ 2 दिन वेंटिलेटर से इसकी सांसें चल रही थी इस बच्चे की, ठीक है। अब बताइए आप, मैं क्या जवाब दूँ इसकी माता जी को, आप क्या जवाब दें?